क्या आपको पता है सीता की नगरी के रूप में विख्यात सीतापुर में राम आए थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल की, जो आज सीतापुर में आए थे और वो सीधे नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और उनको पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ जो मौजूद थे वो ललिता देवी मंदिर के पर्यवेक्षक राजा द्विवेदी, जिनसे नैमिषारण्य के आई इंडिया संवाददाता सुनीत पांडे ने बातचीत की है। पहले हम आपको बातचीत सुनाते हैं, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी बताएंगे। नैमिषारण्य तीर्थ नगरी, जो अध्यात्म की नगरी बताई जाती है, यहाँ पर स्थित माँ ललिता देवी मंदिर, जो नैमिषारण्य का सबसे प्रमुख मंदिर बताया जाता है। आपको बता दें, इस मंदिर में देश विदेश से बड़ी बड़ी संख्या में नित्य प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने, पूजन करने आते हैं। यहाँ पर नेता से लेकर अभिनेता दर्शन पूजन करने आते हैं। आज ऐसा ही कुछ नैमिषारण्य में एक अलग नज़ारा देखने मिला, जब जो राम की उद्गमन नगरी नैमिषारण्य है, जो राम का पात्र किरदार निभाने वाले जब अरुण गोविल नैमिषारण्य माँ ललिता देवी के दर्शन पहुँचे, तो वहाँ का माहौल कैसा था, जो यहाँ के उनके जो पर्यवेक्षक हैं राजा द्विवेदी जी से, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या उनसे बात की है, कितनी देर उनको पूजन कराया, जानते हैं राजा द्विवेदी जी से। माता जी का उन्होंने नैमिषारण्य में आके सबसे पहले माता का पूजन किया, माता का दर्शन किया, फिर उसके बाद में उनसे बात हुई है। कार्यालय में बैठकर उन्होंने रामायण पर चर्चा की और माता से ये पूछा कि ये माता रानी का मंदिर यहाँ पर कब से है। ये माता रानी का, ये शतयुग का तीर्थ है, इसको कहा गया शतयुगीय तीर्थ। नैमिषारण्य त्रेतायाम चपुस करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलह गंगा प्रवर्तते। ये माता रानी यहाँ पर अनादिकाल से विराजमान है और उनसे ये चर्चा हुई है कि वो रामायण के बारे में, कहा गया कि वह वही नैमिषारण्य है जो रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये वही तीर्थ नैमिषारण्य है और उनसे कई चर्चाएं हुई हैं नैमिष को लेके। उन्होंने ये भी पूछा है कि नैमिष में कहां कहां और मंदिर हैं। हमने उनको बताया है कि चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेशम वंदे सप्त विनायकम। ये सात विनायक देवता हैं जिनको दर्शन और नाम स्मरण करने से उनको चार गुना फल प्रदान होता है। जब मंदिर में पहुंचे तो मंदिर का उस समय माहौल कैसा था? मंदिर का माहौल ऐसा था कि उनको पता चला कि विश्व प्रसिद्ध अरुण गोकिल जी नैमिषारण्य में आए हैं, मंदिर माँ ललिता देवी मंदिर के प्रांगण में आए हैं, उनको दर्शन माता रानी का करना था। लेकिन जब नैमिषारण्य के जो माता रानी के यहाँ श्रद्धालु लोग आए हैं, उनको देखकर उनको सेल्फी लेने लगे, फोटो खींचने लगे और बड़ा ही अद्भुत उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही मन प्रसन्न हुआ कि एक जो रामायण की रचना करने वाले हैं गोकिल जी, उनका दर्शन हुआ। हम तो बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और उन्होंने माता का दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली समझा। यहाँ के दर्शन करने के बाद कहाँ गए? वो यहाँ का दर्शन करने के बाद में जल्दी में थे तो केवल माता रानी का दर्शन किया और माता रानी का माथा टेका और बोले आगे समय में हम आते हैं और माता रानी का पूरा नैमिषारण्य का दर्शन करेंगे। तो इस समय आई इंडिया से जुड़ चुके हैं नैमिषारण्य के हमारे संवाददाता सुनीत पांडे। सुनीत पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिन्होंने रामायण में राम की भूमिका निभाई और राम को एक बार फिर कलयुग में विख्यात किया और उनके आदर्शों को आम जन तक पहुंचाया, ऐसे राम जिन्होंने भूमिका निभाई अरुण गोविल, वो सीता की नगरी में आए थे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा? नैमिषारण्य पहुंचे तो वो कहां कहां गए, दर्शकों को जरा बताएं। आपको बता दें कि जो नैमिषारण्य की जो भूमि है, यहाँ पे भगवान राम के जो राम का अवतार हुआ था वो उसकी यहाँ पर उद्गमन भूमि है, क्योंकि यहाँ पर ही राजा मूलशत्रुपा ने 30,000 वर्ष तपस्या किया था, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए थे। उसी भूमि पर जो लोकप्रिय रामायण धारावाहिक रहा, उसी के पात्र किरदार निभाने वाले अरुण गोविल नैमिषारण्य माँ ललिता देवी का दर्शन अचानक करने पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे तो पहले लोग उनको पहचान नहीं पाते, जब लोग उनको पहचानते हैं तो सेल्फी का दौर शुरू हो जाता है और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखते हैं। मंदिर में 10 मिनट तक वो पूजा करते हैं, पूजन करने के बाद वो लखनऊ की ओर निकल जाते हैं। तो रामायण में किरदार निभाने वाले राम का अरुण गोविल जैसे ही ललिता देवी मंदिर में पहुंचते हैं,
कुछ देर उनको वहाँ मौजूद लोग देखकर आवाक रह जाते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये तो वो राम हैं जिन्होंने रामायण, जो प्रसिद्ध रामायण थी, उसमें राम की भूमिका का निर्वाहन किया था। ये कैसे आखिर ललिता देवी मंदिर पहुंचे हैं? तो आपस में लोग पहले जांच पड़ताल जैसा शुरू कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि ये तो वही अरुण गोविल हैं जो राम बने थे और जिन्होंने जन जन तक राम के आदर्शों को पहुंचाने का काम किया था, फिर क्या आज के युग में सेल्फी का दौर शुरू हो जाता है। और अरुण गोविल जो है कुछ देर ललिता देवी मंदिर में रुकते हैं और वहां पर वो पूजन अर्चन करते हैं, ललिता देवी के महत्व से भी वो रूबरू होते हैं। तो सुनीत ये बताइए कि कितनी देर अरुण गोविल जी रुके थे वहां पर नैमिषारण्य में, और इसकी जानकारी क्या किसी को भी नहीं हो पाई? सर आपको बता दें कि नैमिषारण्य ललिता देवी मंदिर बहुत ही साधारण तरीके से पहुंचे, जहां पर उन्हें जिस माला के दुकान से प्रसाद लिया वो भी नहीं जान पाया कि अरुण गोविल जी हमारी दुकान से प्रसाद ले रहे हैं। जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ श्रद्धालु उनको पहचानते हैं, जब श्रद्धालु पहचानते हैं, जब सेल्फी खींचने लगते हैं, तब लोग उनको जानते हैं कि अरुण गोविल हैं जिन्होंने प्रसिद्ध रामायण में इन्होंने अभिनय किया था, राम का अभिनय किया था, जिन्हें आज लोग जो दिल में लोगों के बसे हैं। आपको बता दें सर, लगभग 10 मिनट तक वो मंदिर में रुके हैं, पूजन किया है और वहाँ पर लोग वहाँ पर सेल्फी खींचने के लिए कोतूहल का बन गया। जब लोग अचानक वो यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं तो स्थानीय लोगों को भी उनके एक फोटो खींचने के लिए स्तंभ बदले गए, लोग दुखी भी हुआ कि उनसे लोग मिल नहीं पाए। तो रामायण में राम की भूमिका का निर्वाहन करने वाले अरुण गोविल जो है कितने साधारण, कितने सामान्य हैं, ये आज नैमिष पहुंचकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सामान्य रूप से एक आम दर्शनार्थी के रूप में पहुंचते हैं और बाकायदा पूजा की सामग्री एक दुकान से लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं जान पाता है कि ये वही अरुण गोविल हैं जिनको रामायण में लोग राम की तरह पूछते थे। और उसके बाद जब मंदिर पहुंचते हैं जहां वो 10 मिनट रुकते हैं ललिता देवी मंदिर में, वहां पर कुछ जो दर्शनार्थी है वो पहचान लेते हैं और उसके बाद फिर जो है सेल्फी का दौर शुरू हो जाता है। जैसे ही सूचना ये नैमिषारण्य में गूंजती है और पहुंचती है तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर दुखी भी हो जाते हैं कि वो क्यों नहीं आखिर मिल पाए, काश वो उनसे भी मुलाकात हो गई होती तो उन्हें आज का दिन कम से कम उनके लिए आनंद भरा रहता। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर के, राम को लेकर के आज आप देखते हैं कि देश भर में कितनी गूंज है। हर कोई सरकार सीधे जो प्रस्तावित राम मंदिर है वहां पहुंच रही है अयोध्या और वहां दर्शन कर रही है। पिछले दिनों सभी ने देखा भारतीय जनता पार्टी तो श्री राम के सहारे ही चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या पहुंचे थे राम मंदिर में आशीर्वाद लेने। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे। और आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी भी अयोध्या पहुंची थी। और इसी बीच जो बसपा है उनके जो पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने भी अयोध्या से ही श्री गणेश किया था अपनी चुनावी यात्राओं का, चुनावी सभाओं का। तो ऐसे में अरुण गोविल जो राम बने थे वो एक सामान्य तरीके से आते हैं सीता की नगरी सीतापुर में और चले जाते हैं, ये बड़ी बात है। वो वाकई में जो उन्होंने किरदार निभाया था, जो आदर्श थे श्री राम के, उन्हीं आदर्शों पर आज भी चलते नजर आ रहे हैं। कहीं किसी को कोई सूचना नहीं, कहीं कोई चमक दमक नहीं, कहीं कोई गाड़ियों का काफिला नहीं, वो आते हैं अकेले और सीधे नैमिषारण्य पहुंचते हैं और ललिता देवी मंदिर में 10 मिनट तक पूजन अर्चन करते हैं और वहां से सीधे एक गाड़ी में वापस लौट जाते हैं। तो सुनीत क्या लगता है आपको, अरुण गोविल के जो स्वभाव था, जो बातचीत उन्होंने की, आपने
वहां के जो पर्यवेक्षक थे उनसे भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया? आपको बता दें कि जो वहाँ के पर्यवेक्षक राजा द्विवेदी जिन्होंने उनको पूजन कराया, उन्होंने बताया कि मतलब जितनी बड़ी वो हस्ती थी मगर उन्होंने इतनी सरलता पूर्वक लोगों से, वहाँ के मंदिर के लोगों से बात की, जो सेल्फी खींचना था कुछ लोगों से उन्होंने सेल्फी भी साथ में खिंचाई, बहुत ही सरलता पूर्वक उस लोगों उन्होंने तो सबसे पहले नैमिषारण्य के बारे में जाना, पंडित जी का कहना था कि उन्होंने नैमिषारण्य के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि जब वो दुर्गा सप्तशती का पाठ मंत्र बोल रहे थे तो साथ में दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र भी साथ में बोल उच्चारण कर रहे थे। ये है कंटस्ट है उनको दुर्गा सप्तशती का, वो जितना कुछ है उनको उनको भी कंटस्ट था। तो ऐसे हैं राम की भूमिका करने वाले, राम के किरदार करने वाले अरुण गोविल, जो आज पहुंचे थे सीतापुर के नैमिषारण्य, जहां से हमें जानकारी दे रहे थे आई इंडिया के संवाददाता सुनीत पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीत।